नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश मासिक राशिफल में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो खास तौर पे मार्च का ये महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा जाएगा? जी हाँ, ग्रहों की बदलती स्थिति आपकी जिंदगी में क्या धमाल मचा सकती है, आपके धन धान्य में कितनी बढ़ोतरी होगी, रिश्तों में कितनी मिठास आएगी और कार्य क्षेत्र में आपका कितना मान सम्मान बढ़ेगा, जानेंगे एक एक करके। लेकिन आइए फटाफट से जान लेते हैं कि मार्च, जी हाँ, इस महीने आखिरकार आपके ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, मार्च मास में तुला राशि वालों की कुंडली क्या कहती है उस पर नजर डाल लेते हैं। तुला राशि वालों के लगन में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव भी खाली है, तीसरे भाव में पराक्रम भाव में गुरु मंगल और केतु का शानदार योग बना हुआ है, चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं जो कि शश नाम का राजयोग बनाकर बैठे हैं, पंचम भाव में सूर्य बुध का योग है, छठा भाव खाली है, सप्तम भाव में शुक्र है, अष्टम भाव खाली है, नवम भाव में राहु है और दशम एकादश और द्वादश भाव खाली है। तो ये कुछ ग्रह स्थिति बंधी है तुला राशि वालों की कविता, और तुला राशि वालों की जो कुंडली देखकर संकेत मिल रहा है कि उनका लाइफ में काफ़ी अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है और बहुत ही बढ़िया इनका ये माह रहने वाला है, यानी कि मार्च का महीना इनके लिए काफ़ी कुछ अचीवमेंट करने के लिए रहेगा। चलिए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये तो जान लिया कि जो ग्रहों के इस वक्त जो चाल ढाल है वो ये संकेत दे रही है कि अब आपका एक शुभ समय शुरू हो गया, और इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपकी सेहत से। जी हाँ, इस महीने आपकी सेहत कैसी रहने वाली है आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि वालों की सेहत जो है इस समय कोई ऐसी खास परेशानी नजर नहीं आ रही है, छठे भाव का कारक गुरु जो है तृतीय भाव में मंगल के साथ है, तो हेल्थ इश्यूज कोई नहीं रहने वाले हैं तुला राशि वालों को, इस महीने किसी तरह की कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। हालांकि मानसिक तनाव इनके ऊपर इस समय थोड़ा हावी हो सकता है, क्योंकि इनके ऊपर क्या है ना कि काम की जिम्मेदारी अधिक रहेगी जिसकी वजह से मानसिक तनाव की दिक्कत रह सकती है, अन्यथा इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी हेल्थ इश्यूज कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए ये माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी अच्छा नजर आ रहा है। चलिए, इससे बेहतर क्या है कि आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा भी मानना है अगर इंसान का स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है, सेहत अच्छी रहेगी तभी आप अच्छा कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, खासतौर पे जिनके अब बोर्ड एग्जाम्स भी हैं आखिरकार, उनके लिए ये मार्च का महीना कैसा जाएगा? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि विद्या बुद्धि के घर में सूर्य और बुध की युति है, बहुत ही अच्छा ये योग है, तो पढ़ाई लिखाई में इनका मन लगेगा। और कविता, परीक्षा का भी समय चल रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई रही है इस समय, तो मन पूरी तरीके से पढ़ाई में लगने वाला है। लेकिन कभी कभार शनि की स्थिति के कारण, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, मन में कोई चिंता, किसी तरह की घबराहट, इनको स्ट्रेस रह सकता है, एंग्जाइटी, क्योंकि परीक्षा का समय है तो वैसे दबाव तो रहता ही है बच्चों के ऊपर, तो इस चीज़ से इनको बचना चाहिए और मन पढ़ाई में लगाना चाहिए। तो कोई बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं आने वाली है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बड़ा शानदार समय है, बाहर जा सकते हैं और बाहर जाकर अच्छी उच्च शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। और जिनका इस समय रिजल्ट आने वाला है, जिस भी स्टूडेंट्स का, चाहे वो देश में विदेश में हो, तो उनको भी इस समय अच्छी सफलता मिलेगी। कोई अगर आपका साक्षात्कार है, कोई इंटरव्यू है, तो वहाँ भी सफलता नजर आ रही है। इनके कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रहों की जो स्थिति है वो एक शुभ स्थिति में चल रही है, एक सुनहरा वक्त आपका चल रहा है, और उसके साथ आप शिक्षा में भी अच्छा करेंगे, पढ़ाई में भी और अच्छा करेंगे। लेकिन देखिए, हम ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन ये बता सकते हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि आपका मन पढ़ाई में लगेगा। बस मेहनत आपके हाथ में है, क्योंकि जैसे आप मेहनत करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, तो हमने जान लिया कि विद्यार्थियों के लिए आखिरकार मार्च का महीना कैसा रहेगा, और अब बारी आती है आपके कार्य क्षेत्र की। जी हाँ, जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं और जिनका खुद का व्यापार है, आखिरकार उन्हें कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है या फिर इस महीने बड़ा मुनाफा हो सकता है आइए जानते हैं। तुला राशि वालों को इस समय जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, वहाँ नौकरी में उनको नई नौकरी के योग बन रहे हैं, इस समय आपको प्रमोशन भी होगा, तरक्की भी आपकी होती हुई नजर आ रही है, शनिदेव आप पर मेहरबान है इस महीने, सूर्य बुध की युति बहुत अच्छी है और शुक्र भी सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये कार्य व्यवसाय में भी बड़ी अच्छी सफलता दिलाते हैं। अब बात कर लेते हैं व्यवसायियों की, तो जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि तुला राशि जो है सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, राशि के स्वामी सप्तम भाव में है, बहुत ही सुंदर योग है, काफ़ी अच्छा लाभ कमाने का आपको उस समय मौका मिलेगा, काफ़ी प्रॉफिटेबल समय रहेगा। जो लोग खासकर शुक्र से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि खाने पीने का जिनका काम है, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, उनके लिए ये योग और भी लाभकारी साबित होने वाला है। कुल मिलाकर आपको काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है।
और जो लोग अगर इस वक्त जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, क्या लगता है उनको इस वक्त करना चाहिए? देखिए, उनको इस समय थोड़ा सा जॉब अगर परिवर्तन करना चाहते हो, मार्च महीने में आपको भी रुकना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि इस समय स्विच करने में आपको इतना बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आने वाला समय जो आपका और भी अच्छा रहेगा, जहाँ आपको और भी शानदार मौके मिलेंगे स्विच करने के। चलिए, तो जान लिया कि आखिरकार कार्य क्षेत्र में तुला राशि वालों के लिए मार्च का ये महीना कैसा रहेगा और अब बारी आती है रिश्तों की। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब तक आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो तो उसका इफेक्ट जो होता है, जो उसका प्रभाव होता है, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत पड़ता है। और रिश्ते ऐसे होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। हल्की सी भी कड़वाहट, दरार रिश्तों में जब पड़ती है तो उसका खामियाजा भी एक होता है ना कि मेंटल टेंशन पैदा हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिरकार मार्च के महीने में आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। देखिए, मार्च के महीने में तुला राशि वालों का जो अगर हम देखते हैं कि लव रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहेंगी। सप्तम भाव में शुक्र है और ये कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तुला राशि वाले रोमांटिक होते हैं, तो इस महीने जो है कि प्यार आपका बढ़ चढ़कर मतलब बाहर आएगा। आप खूब एंजॉय करेंगे, खूब आप इस समय कहना चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। और रिलेशनशिप में बड़ी स्ट्रांगनेस आती हुई नज़र आ रही है तुला राशि वालों की इस माह में, बहुत अच्छी बात है। जो संबंध जो खराब थे वो भी समय सुधर जाएंगे, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है। और तुला राशि वालों को एक चीज का ध्यान देना चाहिए, सप्तम भाव में शुक्र है तो कहीं ना कहीं आपको इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए। वो भी स्थितियां यहाँ पैदा हो सकती हैं, आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में बैठकर एक से ज़्यादा रिलेशन बना सकता है या संबंध आपके खराब हो सकते हैं जीवन साथी के साथ, तो इस चीज़ के आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अन्यथा परेशानी रहेगी आपको। उसके अलावा संबंधों में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, कोई नया रिलेशन भी इस समय शुरुआत हो सकता है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि जो लोग इस महीने मार्च के महीने में चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या उनके लिए ठीक रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तुला राशि वालों, तो बहुत ही अच्छा समय है इस समय, आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बहुत ही आपके पक्ष में है और संतान प्राप्ति का योग नज़र भी आ रहा है कुंडली में आपके, तो अगर आप प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। और किस शुभ योग में आप प्लान कीजिए, शुभ दिन अगर प्लान करते हैं तो संतान हमारे घर में और भी उत्तम आती है। तो ये तो अब तक हमने जाना कि मार्च का ये महीना आखिरकार ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, कार्य क्षेत्र में आप कितनी तरक्की करेंगे और आपके रिश्ते इस मार्च के महीने में कैसे रहेंगे। लेकिन अब बारी आती है आपके आर्थिक जीवन से जुड़ने की। जी हाँ, आखिरकार इस महीने आपकी कितनी कमाई होने वाली है, कितना बड़ा लाभ आपको होगा, आइए जानते हैं। देखिए, धन का कारक इनका मंगल है, बड़ी मजबूत स्थिति में है और लाभ अच्छा होगा इनको, काफ़ी प्रॉफिट होगा, पैसा काफ़ी इस महीने आ रहा है। लाभ का स्वामी भी पंचम भाव में बैठा है जो कि लाभ स्थान को देख रहा है, शुक्र केंद्र में है, ये बहुत अच्छी बात है, और शनि भी केंद्र में है, तो यानी कि इस समय इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है। व्यापारियों के पास अच्छा खासा पैसा आएगा, कुल मिलाकर आय के साधन आपके एक से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो अच्छा समय है ये धन प्राप्ति के लिए। एक बहुत ही सुंदर योग तुला राशि वालों के लिए बना हुआ है और व्यय भी ज़्यादा नहीं इस समय नज़र आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि इस समय आप काफ़ी पैसा सेव कर सकते हैं। और अगर आप कहीं इसको निवेश करते हैं तो वो बेहतर समय रहेगा, जैसे अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुंदर बन रहा है योग इस समय, या कहीं अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको लाभ होगा। वाहन प्राप्ति का योग भी यहाँ शनिदेव आपका बना रहे हैं, तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा समय है तुला राशि वालों के लिए। मैं जी आर्थिक जीवन से ही जुड़ा मेरा ये मैं जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों का कहीं पैसा फंसा होता है तो क्या लगता है, क्या पैसे आने की उम्मीद इस महीने वो लगा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। इस समय रुका हुआ जो धन है, जो पैसा आपका फंसा हुआ है, वो इस समय आ सकता है, तो बहुत ही अच्छी चांसेस हैं इस समय इनके पास के धन कमाने के। और कहीं से रुका हुआ पैसा बिल्कुल आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मंगल शुक्र शनि की स्थिति बहुत ही बेहतर है और राहु भी इनके भाग्य स्थान में बैठकर इनका भाग्य भी चमका रहे हैं, तो कुल मिलाकर भाग्य के बल पर भी ये इनको इस समय काफ़ी पैसा मिलेगा। बिल्कुल, और जहाँ बात भाग्य की आ गई तो मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि इंसान कर्म तो करता है लेकिन जब तक उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है तो कई बार हमारी कोशिशें मतलब कहते ना कि वेस्ट चली जाती हैं, तो ऐसे में इंसान सोचता है कि मेरे भाग्य में ये है या नहीं। और आइए इसी को लेकर हम जान लेते हैं कि मार्च का ये महीना, इस महीने आपका भाग्य आखिरकार आपका कितना साथ देगा। देखिए, तुला राशि वालों का भाग्य 90% तक उनके साथ है इस समय, बस आपको मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो सारा रिजल्ट आपको मिलेगा और हर चीज अपने आप ही सामान्य होती चली जाएगी। बिल्कुल, और भाग्य और कर्म जब एक साथ होते हैं तो कहते हैं कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं।
चलिए, तो हमने एक एक कर जान लिया कि आखिरकार मार्च का ये महीना आपको क्या कुछ देकर जाएगा, खास तौर पे तुला राशि वालों के लिए। अब इसी के साथ इस महीने क्या कुछ आपको करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, कुछ छोटे मोटे उपाय जान लेते हैं ताकि आप पे आने वाली जितने भी विघ्न बाधाएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उनसे आप टल सकें। देखिए, अगर इस महीने का तुला राशि वालों को किसी भी तरह की समस्या आ रही है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी, चाहे उनको तनाव रह रहा है, चाहे भाग दौड़ भरी लाइफ है, या उनको क्रोध की अधिकता आ रही है, तो उससे बचने के लिए सबसे एक ही सुंदर उपाय है कि आप भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, तो विशेष लाभ मिलेगा। और शिव शंकर भोलेनाथ को अगर आप जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उससे भी विशेष लाभ मिलेगा, आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह हम आपको बताते हैं एक एक राशि कर कि आखिरकार आपका क्या कहता है मासिक राशिफल। ये तो आज हमने आपको बताया कि तुला राशि वालों के लिए मार्च के महीना कैसे जाएगा। हमारे जो आने वाले एपिसोड्स हैं वो अन्य राशियों पर आधारित रहेंगे। और इसी के साथ एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अगर आपकी भी ज्योतिष विद्या से संबंधित कोई भी सवाल हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी कठिनाई, कोई भी मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हो और जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान स्वयं आपको मयंक शर्मा जी से मिल जाएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।